नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पहले बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाया और अब सीएनजी जो गाड़ियां हैं उसकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने यह ऐलान किया है कि जो सीएनजी में कन्वर्ट कराना था ऑटो डीजल जो वेरिएंट के जो वाहन थे उसे 30 सितंबर तक सीएनजी में कन्वर्ट कराया जाना था, मगर अब इसकी तिथि को बढ़ाया जाएगा। ये ऐसा ऐलान बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने कर दिया है। लगातार कई समस्याएं निकल कर सामने आ रही थी, लॉकडाउन रहा उस दरमियान भी जो ऑटो चालक हैं वो अपने ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट नहीं करा पाए थे, मगर अब जब तिथि जो है उसे बढ़ाई जा रही है तो कहीं ना कहीं जो सीएनजी कन्वर्ट कराने का जो अवधि है उसे बढ़ाया गया है और अब ऑटो चालक जिनकी जो ऑटो है वो डीजल पर चलती थी उसे अब समय मिलेगा कि वो अपने ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करा ले। कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है वो बिहार सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर इससे पहले भी बिहार सरकार लगातार पहल करती रही है। पहले इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो पटना के सड़कों पर लाए गए और अब संख्या सीएनजी वाहनों की लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कर रही है बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल, जरा आप वो सुनिए। विचार कर रहे हैं कि इसको इसकी तिथि को बढ़ाई जाए ताकि आम लोगों को सुविधा हो इससे। क्या उनके तरफ से कुछ आग्रह आया था क्या ऑटो वाले? हाँ, ये बहुत सारे एप्लीकेशन सब आए हुए थे, बहुत सारे ऑटो ड्राइवर सब ने एप्लीकेशन किया था कि मैम इसको डेट को बढ़ाया जाए। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नहीं सक्षम थे, इसके वजह से इस डेट को अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। कन्वर्ट करना था उनको सीएनजी में। सीएनजी को लेकर भी कुछ परेशानी हो रही है लगता है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। देखिए, शुरू कोई भी काम शुरू करिएगा तो थोड़ी सी शुरू में लगता है परेशानी, लेकिन देखिए धीरे धीरे सीएनजी पाइप अभी आप देख रहे हैं सभी जगह सीएनजी पाइप लगना है आने वाले दिनों में। अभी तो कुछ जगह पटना में 12 जगह सीएनजी पाइप है भी, इसके बाद और बनने का है, आगे भी बनेगा, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अभी तो पटना ही में सीएनजी वाली बसें चल रही है तो उसके लिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो एक्सीडेंटल वाला था इसी महीने शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने फैसला लिया था, कैबिनेट से भी हुआ था तो अभी उसको तो कैबिनेट से पास भी हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री सब लोग कैबिनेट में बैठे हुए पास भी हो गया 15 सितंबर। तो आपने सुना, लॉकडाउन एक बड़ी समस्या थी ऑटो चालकों के पास, जिसको लेकर अब उन्हें समय दिया गया है कि वो अपने डीजल ऑटो को कन्वर्ट करा ले सीएनजी में। जो समय 30 सितंबर लास्ट डेट था डीजल ऑटो को कन्वर्ट कराने का सीएनजी में, अब उसे बढ़ाया जा रहा है, जिसका ऐलान खुद शीला मंडल ने कर दिया है और साफ साफ लफ्जों में कहते दिखाई दे रही हैं कि कई समस्याएँ जो हैं वो ऑटो चालकों के समस्या जो है वो खड़ी हो गई थी और उसे कम करने के लिए बिहार सरकार लगातार पहल कर रही है। सीएनजी पंप भी बढ़ाए जा रहे हैं और जो 30 सितंबर लास्ट डेट था सीएनजी में कन्वर्ट कराने का, उस डेट अवधि को भी, जो समय अवधि है उसे भी बढ़ाया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहते दिखाई दे रही हैं कि प्रदूषण का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार तमाम पहल जो है वो कर रही हैं। आपको बताते चले, अब तक 10% ही जो डीजल ऑटो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो पाए हैं। यही कारण है कि अब बिहार सरकार जो 30 सितंबर लास्ट अवधि थी जो डीजल ऑटो है उसे सीएनजी में कन्वर्ट कराने का, उस समय अवधि को अब बिहार सरकार बढ़ाने जा रही है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।